मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है। अब सागर में भी एक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है। भोपाल के एम्स से मिली रिपोर्ट के आधार पर शनिचरी निवासी 25 साल के युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। दो दिन पहले ही युवक को टीबी हॉस्पिटल में आइसोलेट किया गया था। युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के कोविड हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया है। आज भोपाल एम्स से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर एक युवक कृष्णगंज वार्ड 25 वर्षीय की कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। वर्तमान में उक्त मरीज को टीबी हॉस्पिटल के आइसोलेशन में रखा था और यहां के सैंपल भेजा था। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद में जो कोविड अस्पताल जो चिन्हांकित किया वहां पे बीएमसी में उसको भर्ती करके इलाज चालू कर दिया है। उक्त मरीज को सर्दी खांसी और बुखार थे जिसके लिए उसकी जांच की गई थी। साथ ही साथ उक्त मरीज के जो कहां-कहां ये गया है उसके कांटेक्ट जो ट्रेसिंग की टीम सीएमएचओ के द्वारा चालू कर दी गई है और जैसे ही उनके कांटेक्ट में जो आएगा उनकी भी जांच की जाएगी। वर्तमान में उक्त मरीज की स्थिति सामान्य है पर चूंकि उनको तकलीफ है तो उसका इलाज चालू कर दिया है। खबरों के मुताबिक ये युवक लॉकडाउन के चलते लोगों को मुफ्त में सब्जी बांट रहा था। डॉक्टरों को जब युवक ने ये बात बताई तो वो हैरान रह गए। स्वास्थ्य विभाग की टीम युवक से 10 दिन के बारे में जानकारी जुटा रही है। वहीं युवक ने अस्पताल से टिकटॉक पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो बोल रहा है कि दोस्तों आपका सपोर्ट बनाए रखना, दुआओं में मुझे याद रखना। प्लीज अपना सपोर्ट हमेशा मेरे ऊपर रखना। मैं आज से वीडियो नहीं डाल पाऊंगा टिकटॉक पे क्योंकि डॉक्टरों ने मुझे कोरोना बताया है कि कोरोना वायरस हो गया मुझे। ठीक है मेरे भाई, सपोर्ट रखना और अपनी अपनी दुआ करना मेरे हक में। तो आपको बता दें कि कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद से सागर की कलेक्टर प्रीति मैथिल ने एरिया को पूरी तरह से सील कर दिया है और लोगों से अपील की है कि उस एरिया में कोई भी व्यक्ति न आए और न जाए और न ही बाहर निकले। जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति की जाएगी। न्यूज डेस्क।